ऐसा ही रोल प्ले कर रहे हैं कि बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो दी विल बी द फर्स्ट टू अटैक, दे विल बी द फर्स्ट टू एक्ट फॉर डिफेंस. सॉरी, नाउ कमिंग टू इओसिनोफिल्स. इओसिनोफिल्स क्या है बेटा? दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, पोलन एलर्जी या फिर किसी भी चीज़ से जो एलर्जी होती है, यानी जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं उनमें रोल प्ले करती हैं इओसिनोफिल्स. अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैम इनका नाम बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो नाम को ऐसे ही डिकोड कर रहे हैं ना, ल्यूको मतलब वाइट, यहाँ पे न्यूट्रल क्या है? बेटा जो ये न्यूट्रोफिल्स हैं दे गेट स्टेन्ड विद अ न्यूट्रल डाई, यानी कि जो डाई का पीएच होगा दैट विल बी अराउंड 7. न्यूट्रल डाई से स्टेन होंगे न्यूट्रोफिल्स, एसिडिक डाई से स्टेन होंगे इओसिनोफिल्स, एंड बेसिक डाई से स्टेन होते हैं बेसोफिल्स. ग्रेन्युलोसाइट्स क्लियर? तीनों के फंक्शन, न्यूट्रोफिल बेचारे जो फर्स्ट सबसे पहले डिफेंस में काम करेंगे, इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शंस में काम करेंगे, बेसोफिल्स तीन चीजें सिक्रीट कर रही है, सीरोटोनिन, हिस्टामाइन एंड हिपेरिन. तीनों का फंक्शन, एक वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, एक वेजो डायलेटर और एक क्या है, एंटीकोगुलेंट. नाउ कमिंग टू ए ग्रेन्युलोसाइट्स, यानी कि जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है. ये दो टाइप के हैं बेटा, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. मोनो मतलब सिंगल, वन, यानी कि इनको मोनोसाइट्स नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इनका जो साइज है दैट इज वेरी लार्ज, सबसे बड़ी होती हैं आरबीसीज में. आरबीसीज में जिनका साइज सबसे ज्यादा होता है दीज आर मोनोसाइट्स. ये बेटा ब्लड में ज्यादा देर तक रहती ही नहीं है, क्योंकि क्या करेंगी, ब्लड वेसल्स का डायमीटर होता है बहुत कम, ये उसमें फंस सकती है, तो ये ब्लड से टिश्यूज में माइग्रेट कर जाती है और वहां पे बना लेती है मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस का आपको पता है क्या फंक्शन होता है? दे हेल्प इन एनगल्फिंग या फिर दे हेल्प इन ईटिंग द फॉरेन पार्टिकल्स. बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको एनगल्फ करने का, ईट करने का काम कौन करेंगी बेटा? मैक्रोफेजेस. कमिंग टू द लिम्फोसाइट्स, ये दो टाइप की, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स क्या है बेटा? इनका काम है मेनली ऑर्डर देने का, यानी कि ये क्या करेंगी, दे विल सीक्रीट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का सीक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट कर देंगी. ये उन एंटीबॉडीज को बोलेंगे कि जाओ और जहां पे इन्फेक्शन है वहां पे काम करो, यानी कि ये खुद कुछ नहीं कर रहे, दे आर जस्ट गिविंग ऑर्डर टू द एंटीबॉडीज. ये एंटीबॉडीज को सीक्रीट कर देते हैं और एंटीबॉडीज को दे विल सेंड देम टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन. टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स का क्या फंक्शन है? ये बेटा ये खुद काम करते हैं. एक तो ये दो होते हैं, दो टाइप के, टी हेल्पर एंड टी मेमोरी सेल्स. जो हेल्पर टी सेल होते हैं वो वही काम करेंगे कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करेंगे, या फिर बॉडी में कहीं पे ट्यूमर सेल्स बन रही है यानी कि सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, उसको जाके ये जो किल करते हैं. और जो मेमोरी सेल्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, इन्फेक्शन को याद कर लेते हैं. जैसे क्या होता है कि अगर हमें, आपने देखा होगा जब मौसम चेंज होता है सबको होता है सर्दी जुकाम, लेकिन अगर एक बार हो जाए तो दोबारा क्या कहते हैं कि अब कम चांसेस हैं. क्यों होते हैं वो कम चांसेस होने के? क्योंकि ये जो मेमोरी सेल्स है ये याद कर लेते हैं उस इन्फेक्शन को, और ये उसी स्टेज में रहते हैं कि उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए कैसी एंटीबॉडीज चाहिए. जैसे ही उस ऑर्गेनिज्म का फिर से इन्फेक्शन होता है ये वही एंटीबॉडीज बना देती है और उसे तुरंत किल कर देती है, उसे मल्टीप्लाई नहीं होने देती हैं. यहाँ तक सबको क्लियर है? WBCs का काउंट कितना है बेटा? 6000 टू 8000 पर एम एम क्यूब ऑफ ब्लड. इनका नंबर इंक्रीज हो जाए तो उसे बोल देंगे ल्यूकीमिया या फिर ब्लड कैंसर. अगर हम बात करें इनके टाइप्स की तो दो टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स. ग्रेन्युलोसाइट्स जिनका ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं. ग्रेन्युलोसाइट्स तीन टाइप के, न्यूट्रोफिल्स जो न्यूट्रल डाई से स्टेन होते हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, हेल्प करते हैं एनगल्फिंग फॉरेन पार्टिकल, जो सबसे पहले काम करेंगे. इसके बाद आते हैं जो मोनोसाइट्स और एंटीबॉडीज हैं. सबसे पहले काम कौन कर रहे हैं? न्यूट्रोफिल्स. इओसिनोफिल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस. बेसोफिल्स तीन चीज़ें सिक्रीट कर रहे हैं, सीरोटोनिन, हिस्टामाइन एंड हिपेरिन. तीनों का फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ. कमिंग टू ए ग्रेन्युलोसाइट्स, दो टाइप के, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइट्स सबसे बड़ी आरबीसीज, बाकी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा साइज. सबसे छोटी हमने कौन सी डिस्कस की थी? बेसोफिल्स. सबसे बड़ी मोनोसाइट्स, तो ये ज़्यादा देर तक ब्लड में रहती ही नहीं है.
क्योंकि अगर रहेंगी तो क्या करेंगी, ब्लड वेसल्स को क्लॉट कर देंगी। ब्लड वेसल्स में क्या है, एक क्लॉट के जैसे काम करेंगी। तो ये क्या करती हैं, दे माइग्रेट इनटू द टिश्यूज, टिश्यूज में माइग्रेट करके बना लेती है मैक्रोफेजेस, जो क्या करते हैं, विच हेल्प इन एनगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल्स। कमिंग टू लिम्फोसाइट्स, दो टाइप के, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या है, दे विल फॉर्म एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को बोलते हैं कि जाके काम करो, गो एंड किल द इन्फेक्शन। टी लिम्फोसाइट्स खुद काम करते हैं, जो हेल्पर सेल्स हैं वो किल करेंगे इन्फेक्शन को। मेमोरी सेल्स इन्फेक्शन को याद करने का काम करती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सेम इन्फेक्शन हो तो क्या कर सकें, उसको जल्दी से बॉडी में फैलने ना दें। इतना क्लियर है? अब हम क्या करेंगे बेटा, एक वीडियो से हम इस सब को समझने की कोशिश करेंगे। आज के टॉपिक में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अब जो हम वीडियो देखेंगे उसमें क्या होगा, जब आप वीडियो देखोगे तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन रह जाएंगी। सो नाउ आई एम प्लेइंग दैट वीडियो। सी दिस इज अ वीडियो विच इंडिकेट्स बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, की हमें सर्कुलेशन की क्यों जरूरत है। एक सिंगल सेल दिखा के हम समझा रहे हैं। सिंगल सेल में क्या है बेटा, सप्लाई हुई कुछ चीजों की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की। दूसरे एंड पे हम क्या दिखा रहे हैं कि कुछ चीजें जो है वो एक्सक्रीट हो रही है सेल से, यानी कि सेल से बाहर निकालने भी जरूरी है। तो ये समझा रहा है आपको मैकेनिज्म की, सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, उसकी क्या जरूरत है। उसकी रिक्वायरमेंट को समझाने के लिए ये फिगर आपके सामने है कि कुछ चीजों का क्या हो रहा है, इनटेक, और कुछ चीज़ें होनी है रिलीज। रिलीज होने वाली चीज़ों में मैंने आपको बताया था अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में। अब बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म, जो मैंने आपको स्पॉन्जेस का एग्जांपल देके समझाया था, ये वही है बेटा। ये देखो, ये टाइनी पोर्स, दीज आर ओस्टिया, इनके थ्रू बेटा आपको दिख रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर मूव कर रहे हैं। जो मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करेंगे वो ये सेल्स करेंगे, जिनको क्वाइनोसाइट्स बोलते हैं। और एक बड़ी सी ओपनिंग से बाहर जा रहा है पानी, उसको बोल रहे हैं ऑस्क्यूलम। अब बात कर रहे हैं हायर ऑर्गेनिजम्स की। एक ह्यूमन की बॉडी दिखाई हुई है आपको, ह्यूमन में क्या क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। जो हमने पढ़ा ब्लड, लिम्फ, वही सब चीजें हैं बेटा। बट क्या है, वीडियो देखने से चीजें ज्यादा टाइम तक माइंड में रिटेन रहती हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द बॉडी फ्लूइड्स इन ह्यूमंस, मैंने आपको दो तीन चीजें बताई हैं, ब्लड बताया, लिम्फ बताया, सीरम बताया। यहाँ पे ये है ब्लड वेसल्स विच विल कैरी ब्लड। दिस इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है। दिस इज लिम्फ। लिम्फ क्या बताया था, प्लाज्मा प्लस WBCs। अब हम बात कर रहे हैं बेटा ब्लड की कंपोजिशन की। ये एक ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करता हुआ आपको दिख रहा है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द डिफरेंट ब्लड सेल्स। लुक हाउ ब्यूटिफुल इट इज, इजंट इट। ये रेड कलर की जो आपकी RBCs हैं, दिस इज योर प्लेटलेट। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड मैंने आपको बताया किससे मिलकर बना है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा कितना, 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या थे, ब्लड सेल्स। अब हम बात करेंगे बेटा प्लाज्मा की कंपोजिशन की। ध्यान से देखे वीडियो, जितना ध्यान से देखोगे उतना अच्छे से चीजें याद रहेंगी। ये देखिए प्लाज्मा की कंपोजिशन, प्लाज्मा था लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। क्या बताया था बेटा मैंने, प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 90 to 92% वाटर, 90 से 92% वाटर, 6 से 8% प्रोटीन्स। तीनों प्रोटीन्स मैंने आपको अच्छे से बताए थे, तीनों का फंक्शन बताया था। 1.2% क्या है बेटा, न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, जो गैसेस का एक्सचेंज होना है वो, और न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब हुए वो। एंड 0.8% इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो मैंने आपको बताया ब्लड का पीएच मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन्स में तीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन मैंने क्या बताए थे बेटा, दीज आर द सॉल्यूट विच अट्रैक्ट सॉल्वेंट पार्टिकल्स। वॉटर को अट्रैक्ट करने का काम किसका है, एल्ब्यूमिन्स का। ग्लोबुलिन्स मैंने आपको बताए थे, दीज आर द एंटीबॉडीज। एंड फिब्रिनोजन्स, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, या दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब देखो डायग्राम से समझो अच्छे से, ये ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल में। यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं, ये जो एरो दिखा रखे हैं, दीज आर योर एल्ब्यूमिन्स।
जो क्या कर रहे हैं, आयंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं। ब्लड के अंदर कौन सी आयन को आना है, कौन से आयन को ब्लड से बाहर भेजना है, यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस जो है ब्लड का, ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं एल्ब्यूमिन्स। दूसरे आए बेटा ग्लोबुलिन्स, जो मैंने आपको बताया था, दीज आर द एंटीबॉडीज, ये देखिए डिफेंस में हेल्प कर रहे हैं। तीसरे क्या है, फिब्रिनोजन, ये फाइबर्स जा रहे हैं और ये दे विल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जिसमें ब्लड सेल्स देख रहे हैं आप कि फंस गए हैं वहां पे, सो दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तीनों अच्छे से समझ आए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग कि न्यूट्रिएंट्स और गैसेस में क्या है, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से बन रहा था ग्लूकोज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में। प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से अमीनो एसिड्स, और फैट्स आपके जो प्रेजेंट होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में। ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर प्लाज्मा से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें तो क्या बनता है, क्या बताया था मैंने, सीरम। सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, इनके बारे में क्या बताया था, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ ब्लड। सो बेटा देखिए यहाँ पे एक क्विक रिवीजन हो रहा है, जो भी हमने पढ़ा है इस वीडियो के थ्रू हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर ब्लड सेल्स, कि ब्लड में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं। तीन टाइप की मैंने हम बात की थी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। दीज आर आरबीसीज, दीज आर डब्ल्यूबीसीज एंड दीज आर प्लेटलेट्स। आरबीसीज को क्या बोल रहे थे, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स मैंने आपको क्या बताया था, रेड कलर के, इसलिए। प्लेटलेट्स जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, ल्यूकोसाइट्स यानी कि आपकी डब्ल्यूबीसीज। अब बेटा एक एक करके इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एरिथ्रोसाइट्स कितनी होती हैं, मैंने बताया था मोस्ट अबंडेंट 99% ये होती, क्योंकि कितनी 5 to 5.5 million इनकी कंसंट्रेशन। सिंथेसिस मैंने क्या बताया था, कहाँ होता है आरबीसी का सिंथेसिस, इन द बोन मैरो, बोन की जो कैविटी होती है वहाँ पे आरबीसी सिंथेसाइज होती हैं। कंसंट्रेशन देखिए 5 to 5.5 million, पर ये मेल्स में होती है, याद रखना। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है फीमेल में कितनी होती है, तो वो क्या है 4 to 4.5 million। कम किस वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। आरबीसी का स्ट्रक्चर देखिए बेटा, कनकेव, बाइकनकेव शेप। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बीच में क्या है, एक होलो, एक जगह आपको दिखाई दे रही है। अब जैसे आरबीसी घूमेगी, पीछे भी आपको ऐसा ही स्पेस दिखाई देगा। आरबीसी रेड क्यों होती है, हीमोग्लोबिन की वजह से। दिस ब्लू कलर इज ऑफ आयरन, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से आरबीसीज अपीयर रेड इन कलर, ठीक है। नाउ कमिंग टू हीमोग्लोबिन, व्हाट हीमोग्लोबिन डज, हीमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस विच आर प्रोड्यूस्ड और यूज्ड अप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन एंड CO2। मैंने बताया ऑक्सीजन मेनली हीमोग्लोबिन से के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, CO2 इन ब्लड प्लाज्मा। ये आपको दिख रही है आरबीसी, सिर्फ आरबीसी दिखा रखी है अभी ब्लड वेसल में फ्लो करते हुए, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं आरबीसीज के बारे में। अच्छे से आरबीसीज की शेप को देख लीजिए। अब बात करते हैं आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की। मैंने बताया था स्प्लीन में आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। देखिए स्टमक के जस्ट पास में प्रेजेंट है आपका स्प्लीन। अगर नॉर्मल आरबीसी है दैट इज हेल्दी, अगर आरबीसी कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया इज ए कंडीशन जिसमें बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। टॉकिंग अबाउट, हमने एरिथ्रोसाइट को कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स की। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स। ये देखिए आपकी जो आरबीसीज होती हैं, दे आर इन्यूक्लिएटेड। आरबीसीज के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि ताकि उनके पास मैक्सिमम स्पेस बचे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, दे कंटेन अ न्यूक्लियस, यानी कि ये कैसी हैं बेटा, न्यूक्लिएटेड सेल्स। आरबीसी थी इन्यूक्लिएटेड, यानी कि दे लैक न्यूक्लियस। डब्ल्यूबीसीज के पास न्यूक्लियस होता है। दूसरा, इनके साइटोप्लाज्म में जिसपे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं उन्हें बोल रहे हैं ग्रैन्यूलोसाइट्स। अगर ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है तो बोल रहे हैं ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। एक डिफरेंस डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज में, आरबीसीज इन्यूक्लिएट, डब्ल्यूबीसीज आर न्यूक्लिएटेड। ग्रैन्यूलोसाइट्स में तीन, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ए ग्रैन्यूलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। सबके फंक्शन अभी हमने डिस्कस किए हैं इन डिटेल्स।
न्यूट्रोफिल्स बताई थी सबसे स्मॉलेस्ट, और क्या कर रही थी, नहीं बेसोफिल थी सबसे स्मॉलेस्ट, न्यूट्रोफिल थी जो सबसे पहले काम कर रही है डिफेंस में। ए ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट्स दो टाइप की, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये देखिए 65% क्या है, न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम, डब्ल्यूबीसीज में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स। फिर क्या है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स कितनी 25%, 65% न्यूट्रोफिल्स और 25% लिम्फोसाइट। ये कंपोजिशन अच्छे से देखिए। अब हम एक एक के फंक्शन की बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसीज का मेन काम क्या करते हैं बेटा, ये डिफेंस में हेल्प करते हैं ताकि बॉडी में किसी भी चीज का इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन को किल करने का काम है। जैसे हमने बात की सबसे पहले काम कर रही थी न्यूट्रोफिल, सबसे पहले इन्फेक्शन को किल करने का काम था न्यूट्रोफिल का। अगर उनसे नहीं हो पाता है तो वो बुलाती हैं मोनोसाइट्स को। तो ये दोनों ही क्या है बेटा, फेगोसिटिक सेल्स, यानी कि दे हेल्प इन एनगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स को खा लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से, एक बैक्टीरिया दिख रहा है जो आगे जा रहा है, पीछे से आई आपकी फेगोसिटिक सेल्स और उन्होंने बैक्टीरिया को ट्रैप कर लिया और उसे किल कर देंगी। कमिंग टू सेकेंड वन, अब क्या है बेटा, दीज आर योर इओसिनोफिल्स। मैंने बताया था एलर्जिक रिएक्शंस में इनका रोल होता है, जब भी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है वहां पे रोल होगा इओसिनोफिल्स का। कमिंग टू बेसोफिल्स, सबसे स्मॉलेस्ट, तीन चीजें सिक्रीट कर रही थी मैंने आपको बताया, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। एक था क्या, हिपेरिन वॉज ब्लड कोगुलेंट, यानी कि ब्लड को, ब्लड वेसल्स के अंदर जो है एंटीकोगुलेंट था, ये ब्लड वेसल्स को के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। हिस्टामाइन और सीरोटोनिन, हिस्टामाइन वॉज अ वेजो डायलेटर, सीरोटोनिन वॉज अ वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, ये करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में हेल्प। ठीक है, एकदम से अगर बॉडी पे किसी चीज को बाहर से कुछ एंटर हो जाए तो उसको एकदम से हटाने का काम होता है इनका, कि ब्लड की सप्लाई वहां पे बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली डब्ल्यूबीसीज वहां पे ज्यादा जाएंगे, दे विल हेल्प इन किलिंग द इन्फेक्शन। लिम्फोसाइट, एज आई हैव टोल्ड यू, टू टाइप्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे थे, दे सीक्रेट एंटीबॉडीज, टी लिम्फोसाइट्स खुद से जाके काम करेंगे, दे विल हेल्प इन बिल्डिंग द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प कर रहे हैं आपकी जो ये लिम्फोसाइट्स हैं, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स मैंने आपको बताया ट्यूमर सेल्स को अटैक करती हैं, दो टाइप की होती हैं, हेल्पर एंड मेमोरी सेल्स। हेल्पर सेल्स विल अटैक द ट्यूमर सेल्स, मेमोरी सेल्स विल रिमेंबर द टाइप ऑफ इन्फेक्शन। बी लिम्फोसाइट देखिए एंटीबॉडी आ रहे हैं, बैक्टीरिया के सरफेस पे बाइंड करेंगे एंड हेल्प इन रिक्रूटिंग द मैक्रोफेजेस, की एक बार एंटीबॉडी बाइंड हो गया वहां पे मैक्रोफेज आ जाएगी और उस बैक्टीरिया को किल कर देगी। आरबीसी का काउंट, अगर ये बात करें क्लिनिकल काउंट की, 4,000 से 11,000, ये है बेटा क्लिनिकल वैल्यू। अगर एवरेज की बात करें तो वो थी बेटा 6,000 से 8,000, एवरेज वॉल्यूम की अगर हम बात करें थे वो 6,000 से 8,000। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में।